hello my dear students i hope all of you are fine this is your maths class and today's topic is shapes so my dear students open page number 107 this is page number 107 and here shapes of solids today we will learn shapes of solids things around us have different shapes हमारे आसपास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं कॉमन शेप्स हैव नेम्स जो कॉमन शेप्स होती हैं उनके नेम होते हैं सो फर्स्ट सेप इज क्यूब ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल दिस इज क्यूबॉइट दिस इज स्पीयर दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज कॉन सो लर्न द नेम ऑफ दी शेप्स क्यूब क्यूबाइट स्पीयर सिलेंडर कौन ओके नाउ मैच या मैचिंग करनी है फर्स्ट इज स्पीयर सो मैच दिस सेकेंड वन इज क्यूब दिस इज कॉन This is cuboid and this is cylinder shape. So, like this, you have to match. Okay. Now, the second question: name the shapes. So, first shape is cube. So, you have to write the name: C-U-B-E, cube. Number second: cuboid. C U B O I D cuboid third one cone C O N E cone d cylinder C Y L I N D E R cylinder and e sphere S P H E R E sphere okay so like this you have to write the names of the shapes okay now next page दिस एज पेज नंबर वन हंड्रेड नाइन एंड इन दिस पेज फ्लैट सेप्स पहले हमने सॉलिड शेप्स पढ़ी थी अब ये है फ्लैट सेप्स ओके ये हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं सो इन्हें फ्लैट सेप्स कहते हैं सो फर्स्ट एज स्क्वायर स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं सेकंड ट्रायंगल ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं वन टू थ्री सो दिस दिस इज ट्राइंगल दिस इज रेक्टेंगल रैक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल्स होती है दिस इज सर्किल एंड दिस इज ओवल सेप ओके नाउ क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन नेम देश्स हमें सेप्स के नेम लिखने हैं नंबर ए दिस इज क्वाइन सो सर्किल सेप ओके बी दिस इज रेक्टेंगल फिफ्टी रुपीज नोट रैक्ट एंगल सो दिस इज रेक्टेंगल सी ट्राइएंगल ये थ्री साइड्स है इसकी वन टू थ्री सो दिस इज ट्राई एंगल दिस इज रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल सो रेक्टेंगल नंबर ई ट्राइंगल थ्री साइड्स ट्राइंगल ए पार्ट स्क्वायर सो Write square. G part, this is oval shape. And H, this is circle. Okay. So, like this, you have to write the name of shapes. Now, question number two complete the shapes. Here, we have to complete the shapes. So, first is square. So, complete like this. Rectangle triangle this is for more triangle and again square so like this you have to complete the shapes now next page this is page number 110 and here question name the solid and flat shapes हेयर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ सॉलिड एंड फ्लैट दोनों सेप्स के नेम लिखने हैं सो ए पार्ट दिस इज ए फ्लैट सो दिस इज रैक्टेंगल शेप राइट रैक्टेंगल एंड दिस इज सर्किल सो राइट सर्किल एंड दिस इज सिलेंडर शेप दिस इज सॉलिड सो सिलेंडर शेप ओके नाउ बी पार्ट This is triangle. So, write triangle. And this is rectangle. So, envelope. This is rectangle. And this is triangle. Okay. So, like this, you have to write triangle, rectangle. Number C. This is cylinder shape. So, write cylinder. And this is cube. So, write here cube. Number D. This is ludo, and here this is square shape. So write square, and this is circle. So write circle, and this one also square shape. So write square. Now E part. This is cuboid shape. So right here, and this is cone. Okay, now next this is cube and this is cylinder. Okay, so like this, you have to write the names of shapes. Okay, now next page. This is page number 111, and here. वी विल लर्न अबाउट रेक्टेंगल रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर एंड फोर कॉर्नर वन कॉर्नर टू थ्री फोर फोर कार्नर ऑल द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर नॉट इक्वल इन लेंथ रेक्टेंगल की ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं लेंथ में

ऑल साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल स्क्वायर की ऑल साइड लेंथ में इक्वल होती है थ्री साइड वन टू थ्री साइड होती है एंड थ्री कॉर्नर वन टू थ्री थ्री कॉर्नर टू साइड्स मीट एट ए कॉर्नर टू साइड्स एक कॉर्नर पर मीट होती है मिलती है जिससे कॉर्नर बोलते हैं ओके okay? सर्किल एंड ओवल्स हैज़ नो कॉर्नर्स बिकॉज दे हैव नो साइड्स सो सर्किल और ओवल में नो साइड नो कॉर्नर ओके सो दिस इज अबाउट रैक्टेंगल स्क्वायर ट्राइंगल सर्किल एंड ओवल नाउ वन एक्सरसाइज रिलेटेड दिस फिल इन आ स्क्वायर हैज four sides here we have to fill four a square has four sides and four corners we all sides of a square are equal here we have to fill equal all sides of a square are equal see the opposite sides of the rectangle are equal रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है सो हेयर वी हैव टू फिल अपोजिट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल डी पार्ट आ सर्किल हैज नो साइड्स सर्किल की कोई साइड्स नहीं होती सो आ सर्किल हैज नो साइड्स ई पार्ट एन ओवल हैज नो कॉर्नर्स सो हेयर वी हैव टू फिल नो एफ पार्ट आ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती है सो आ ट्राइंगल है येलो फिगर हैजलो फिगर है कितनी साइड ऐसी काउंट करेंगे एंड सिक्स कॉर्नर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये येलो फिगर हैज सिक्स साइड एंड सिक्स the blue star has sides 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sides and five corner 1 2 3 4 5 okay so like this you have to complete this fill in the blanks and learn also now i am going to stop this video do all the work properly and read again about rectangle, square, triangle, circle, and oval. Okay, have a nice day. Take care. Bye bye.